राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठियार्यवचसाय माया मृगं दैतेप्सित मन्वधा नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरं दाय भक्तजनमानसनिदास श्रीमदरामचन्द्र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीराधाकृष्ण भगवान् की सद्गुरुदेव भगवान् की जय अम्बे मातु की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर भगवती पराम्बा जगज्जननी जगदीश्वरी सत रज तम त्रिगुण स्वरूपा सत्ता जिसकी समाहित है उन भगवती की परम मंगलमयी श्रीमद् देवी भागवत कथा में हम लोग निरंतर 3 दिन से गोते लगा रहे हैं। आज पुनः चतुर्थ दिवस की वेला में हम आप सभी प्रवेश करने जा रहे हैं अपने इष्ट और अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा चैतन्य रूप में रखिए। आप यदि स्फूर्ति में रहेंगे तो कथा आपके अनुकूल यहां से निकलेगी, क्योंकि व्यास मंच से कोई व्यक्ति नहीं बोलता है,
सामने वाले व्यक्ति की जिज्ञासा बोलती है। श्रोता जिस जिज्ञासा से कथा श्रवण करने के लिए बैठेगा उसी उत्साह के साथ में प्रवक्ता उसको परोसेगा। आप यदि ऐसे पैर करके टेढ़े इधर उधर दयनीय स्थिति में बैठेंगे तो फिर कथा का भी भाव बिगड़ जाता है। हमको ही देख के लगता है अरे राम परेशान आदमी है, इसको क्या कथा सुनाओ। इसलिए थोड़े सीधे साधे बैठा करो। कथा सुनने के लिए सभी सुखासन में बैठो, पट्टी का सहारा मत लो कोई भी। जिनको अति कष्ट है वो एक अलग बात है, चैतन्य रूप से ताली बजाते हुए सभी लोग संकीर्तन करेंगे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम,
भक्त वत्सलम रसिक नरेशम कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों का प्रसंग चल रहा था पांडवों को जैसे ही पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश लीला संवरण करके अपने समस्त परिकर के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा कर गए, सबसे पहले कुंती बुआ ने द्वारिकाधीश के चरणों में मन को लगाया और परम धाम को चली गई। उसके बाद पांडवों ने अपने पौत्र जो कि अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था परीक्षित, उसके लिए राज सत्ता का भार सौंप दिया। परीक्षित बड़े छोटे थे, फिर भी उनको राज सिंहासन पर बिठा के पांडव द्रौपदी सब
स्वर्गारोहण किए, भगवत धाम की यात्रा किए। परीक्षित का एक छत्र राज्य हो गया, जहां जहां तक नजर जा सकती है सब परीक्षित का राज था। एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए, बहुत दूर तक शिकार खेलते चले गए। परीक्षित ने देखा एक गौ माता है, गाय, एक उसके साथ में बछड़ा है। बछड़े का एक पैर है, केवल एक पैर, तीन पैर उस बछड़े के नहीं है। और उस गाय बछड़े के लिए एक बड़ा भयंकर काला काला पुरुष प्रताड़ित करते हुए आ रहा है, मार रहा है। ये जब परीक्षित ने देखा तो बड़ा मन में कष्ट हुआ कि मेरे राज्य में गौ माँ के लिए, गौ माता के लिए कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे प्रताड़ित करे। परीक्षित मारने के लिए दौड़े, ए मूर्ख, कैसे मेरे राज्य में तूने गौ माता को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया। चरणों में गिर गया, महाराज मारो मत, मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय आ गया और मुझे आना ही पड़ेगा। द्वापर युग बीत गया है, कलयुग लग गया, मुझे तो आना ही पड़ेगा। ये तो गौ माता है, ये कौन है? परीक्षित समझ गए कि ये गाय माता पृथ्वी देवी हैं और ये जो बछड़ा है एक पैर के बल जो खड़ा है ये है धर्म। पर तेरे आने से मेरे राज्य में उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए तू हमारे राज्य में नहीं आएगा। कलयुग ने कहा, महाराज वो तो समय है, समय आता है तो सबको आना पड़ता है और जब समय आ जाता है तो जाना भी पड़ता है, समय समय की बात है। द्वापर बीत गया, अब कलयुग आ रहा है तो मुझे आना पड़ रहा है। परीक्षित मारने के लिए पुनः से जब दौड़े तो चरणों में गिर गया, महाराज प्रकृति के विधान को ना पलटे तो नियम है, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, मेरा समय आ गया, मैं आ रहा हूं। तो तेरे में तो अवगुण ही अवगुण हैं और अवगुणी व्यक्ति को यदि मैं अपने राज्य में रख लूंगा तो जो भी प्रजा है सबकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, सबके विचार दुष्ट विचार हो जाएंगे, सबके आचार अनाचारी हो जाएंगे। संस्कृति की कुसंस्कृति हो जाएगी, संग का कुसंग हो जाए, सब उल्टा पुल्टा होने लगेगा। बोला, ये ठीक कहा आपने, मेरे आने से ऐसा ही होगा, पर एक बात है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ देवी कथां लभे।
जो फल सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता था। बोले ऐसा कोई एक तो दे दो। परीक्षित ने कहा तो अपनी मर्जी से मांग लो। बोला महाराज दुनिया में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो सोना है, स्वर्ण में मुझे वास दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है, स्वर्ण में भी तुम्हें वास दिया। तो कलियुग का सोने में भी वास हो गया। अब इसमें सोचने की बात यह है कि सोने में भगवान का भी वास है और कलियुग का भी वास है, तो एक जगह पे दो जन कैसे रह सकते हैं? सूर्य और अंधकार एक जगह तो नहीं रह सकते। अग्नि और जल एक जगह नहीं रह सकते। इसी प्रकार कलियुग और भगवान एक जगह नहीं रह सकते। उद्धरण दिया कि सुनिए, जो धन दुराचार पापाचार अपहृत वृत्ति से कमाया हुआ हो, सोना किसी को कष्ट पहुंचा के, झूठ बोल के, किसी को छल के या बलपूर्वक हटात किसी से छीना हो, ऐसे सोने में तो कलियुग का वास रहता है। पर अपने परिश्रम के बल पर, ईमानदारी की राह पर चल के, बिना किसी को सताए यदि आप सोने का संचय करते हैं, उसमें भगवान का वास होता है। परीक्षित उसको ये पांच स्थान देके अपने घर आ गए। एक दिन फिर से आखेट के लिए जाना था। राजा महाराजा लोग तो प्रतिदिन जाते ही रहते थे शिकार खेलने के लिए। फिर से इनके मन में आया तो एक पुराने संदूक में एक मुकुट रखा हुआ था, बड़ी मणियां जड़ी हुई थी। इनके मन में आया क्यों ना इसी मुकुट को धारण कर लें। वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध को मारा, मुकुट उसका छीन लाए थे। मुकुट को परीक्षित ने जैसे ही अपने सिर पर रख के शिकार खेलने के लिए गए, हठात धन कमाया है उसमें कलियुग का वास है। अभी अभी कलियुग से कह के आए थे कि छीने हुए धन में तुम्हारा वास होगा। भीम जिस मुकुट को जरासंध को मार के लेके आए थे, वही मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया, गए शिकार खेलने को। बहुत दूर तक शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए, परिश्रम से थकित हो गए, प्यास लगी, सोचे कोई आश्रय मिल जाए जहां जाके पानी पी लें। एक मुनि का स्थान दिखा समीख। मुनि के आश्रम पर गए पर मुनि तो समाधि में बैठे थे। इन्होंने खूब जगाया, बाबा बाबा मुझे जल पीना है बाबा, पर बाबा तो समाधिस्थ थे, बाबा कुछ नहीं बोले। परीक्षित ने सोचा ऐसा हो शायद हमें देख करके झूठी समाधि का ढोंग करके बैठ गए हो, कहीं राजा का सत्कार ना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित ने उनके गले में डाल दिया, पर बाबा की समाधि तो सच्ची थी। परीक्षित चले गए। इधर समीक ऋषि के पुत्र को पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब पिता का अपमान हो तो पुत्र को तो बुरा लगेगा। वह बालक कौशकी नदी के किनारे अपने सखाओं के साथ खेल रहा था।
जैसे ही उसे सूचना मिली, कौशिक्याप उपप्रज्ञा बागभद्रम विसर्जः, उसने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और श्राप दे डाला, इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस भी राजा ने मेरा पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उनकी समाधि की परीक्षा लेनी चाहिए है। मैं श्राप देता हूं उस राजा को 7 दिन में तक्षक नांग डसेगा और उसी के काटने से उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। इधर परीक्षित जैसे ही घर आए, उन्होंने उस मुकुट को निकाल के रखा, मन में पश्चाताप होने लगे कि अरे राम 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 राम, मैं तो उस वंश का हूं जहां ब्राह्मणों का आतिथ्य, ब्राह्मणों का सत्कार सदैव हमारे वंश में होता रहा हो, ब्राह्मणों की आज्ञा से किंचित मात्र भी इतर कभी हम लोग न गए हों, और मैंने आज एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान कर दिया। मैं दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, दुर्बुद्धि हूं, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब तक परीक्षित के पास सूचना आ गई, किसी के द्वारा संदेश प्राप्त हो गया कि महाराज, जिस ऋषि के गले में आपने सर्प डाला था मरा हुआ, उन्हीं ऋषि के बालक ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित ने कहा, अरे ये दंड तो मुझे मिलना ही था, उस दंड को यदि दंड ना मिले तो न्याय कैसा? मैंने अपराध किया है, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। अब परीक्षित बचाने का यत्न करना चाहिए। क्यों? भागवत में कथा आई है कि परीक्षित को जैसे ही मरने का श्राप लगा तो ऋषियों के पास गए और श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको भागवत कथा सुनाई, उससे मुक्ति हुई। तो वो दूसरे कल्प की कथा है, ये देवी कल्प की कथा है। इसमें परीक्षित जी गंगा किनारे इत्यादि नहीं गए, मंत्रियों से कहे कहे अपने प्राण बचाने का प्रयास तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यत्नस्तथा शास्त्रोक्ता कर्तव्यः सर्वदा उदयः उपायवादिना केचित् प्रवृदन्ति मनीषिणः। मनीषी जन कहते हैं कि भाग्य के ऊपर व्यक्ति को कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, भाग्य के ऊपर ही आधारित रहने नहीं रहना चाहिए, कुछ कर्म भी करना चाहिए। ये ठीक है कि 7 दिन में मरना है, लेकिन बचने का उपाय तो करना चाहिए। आपको पता चल गया है कि हमारे शरीर में रोग है, पर औषधि का सेवन तो करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसे भी रोग होते हैं जो असाध्य हैं, औषधि से ठीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसके बचाव के लिए औषधि तो लेना ही चाहिए। परीक्षित ने कहा, मुझे पता है ब्राह्मण का श्राप है, यदि मैं चाहूं ब्रह्मा भी मुझे बचा ले, संभव नहीं है।
ये निश्चित है कि मुझे मरना पड़ेगा, पर फिर भी प्राण बचाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने कहा अब प्रयास क्या करेंगे आप, तक्षक है। परीक्षित ने कहा यह प्रयास किया जाए कि ऐसा भवन बनवाया जाए जहां मेरी इजाजत के हवा भी ना आ सके, फिर तक्षक नाम कैसे आएगा। महाराज 7 तल का भवन बनवाया गया। लोगों ने कहा क्या इसमें नहीं आएगा तक्षक। परीक्षित ने कहा नहीं, कैसे नहीं आएगा। जब वायु मेरी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करेगी तो तक्षक कैसे आ सकेगा। कुछ प्रबुद्ध जनों ने परीक्षित को समझाया कि मरना तुम्हें पड़ेगा ही, काय को इतने भवन बनवा रहे हो, काय को अपने प्राणों के लिए इतने मरे जा रहे हो। अरे मरण धर्मा, ये जीव है जो जन्म आए उसे मरना है। परीक्षित ने कहा फिर भी मैं तो सप्ततल वाले भवन में ही निवास करूंगा। प्रमाण के लिए इन्होंने कहा भृगु महाराज की पत्नी थी जिसका नाम था पुलोमा। पुलोमा का विवाह है भृगु जी से हुआ। इनके यहां एक संतान हुई जिसका नाम था च्यवन, च्यवन मुनि। सरयाती की कन्या इनको ब्याही गई थी। सूर्यवंश के राजा हुए हैं सरयाती, उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक बार सरयाती महाराज के साथ में च्यवन मुनि के आश्रम पर उनकी बिटिया गई। अब आश्रम में महाराज इधर उधर फलदार वृक्षों को देख रहे थे, बगीचे देख रहे थे, वहां की रमणीक रमणीक जो चीजें थी उन सबको देख रहे थे। अब बालिका की बुद्धि, उसने देखा एक जगह दीमक लगी हुई है बहुत सारी, और दीमक के ढेर से 2 ज्योति प्रकाशित हो रही है। तो उन ज्योतियों को उसने देखा, उसने कहा इसमें है क्या। तो एक कांटा लेकर के उन दोनों प्रकाशित ज्योतियों में ऐसे कर दिया। बात यह थी कि च्यवन मुनि तपस्या करने बैठे थे और इतने दिन हो गए थे तपस्या में कि उनके शरीर को दीमक लग गई थी। ये भृगु जी के बेटे थे। कन्या ने जो कांटे, वो जहां से ज्योति निकल रही थी प्रकाश, उसमें जो ऐसे चुभ आए वो असल में च्यवन मुनि की आंख थी। दोनों आंख फूट गई, और जैसे ही आंख फूटी तो सरयाती महाराज के साथ जितने भी लोग थे उनकी सब मल वायु संचार सारी क्रियाएं आवागमन की व्यवस्था सब बंद हो गई, श्वास रुंधने लगी। सब लोग घबराए, बोले महाराज ये अचानक से हो क्या रहा है। सरयाती महाराज ने कहा कहीं किसी से च्यवन मुनि के लिए कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब डरते डरते उस कन्या ने कहा कि पिताजी मैंने एक जगह दीमक लगी थी, उसमें से ज्योति निकल रही थी, उस ज्योति में कांटे से ऐसे किया। सरयाती महाराज गए, च्यवन मुनि को प्रणाम किए, उनके चरणों में गिरे, रोने लगे। च्यवन मुनि की समाधि टूटी। उन्होंने कहा कि क्षमा तो अपराध सबका है राजा, आप भी हमारे हो, आप अपने राजकोष को जाओ, पर एक बात है, अब दोनों आंखें फूट गई हैं, अंधे व्यक्ति से विवाह कौन करेगा, अब तो अविवाहित रहना पड़ेगा। तो सरयाती जी ने कहा कि जिस बिटिया ने तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ी हैं उसी बिटिया से विवाह करा देते हैं। च्यवन मुनि बोले ठीक है। तो सुकन्या से च्यवन मुनि का विवाह हुआ।
धीरे धीरे अब च्यवन मुनि को तो बुढ़ापा आ गया था और सुकन्या अभी युवावस्था में, तो सबके लिए लगता है कि हम सुंदर हैं तो हमारा घरवाला भी सुंदर हो, पति भी सुंदर होना चाहिए। च्यवन मुनि समझ गए सुकन्या के भाव को, अश्विनी कुमारों को बुलाए और उन्होंने ऐसा यौवन च्यवन मुनि के लिए दिया, एकदम युवा अवस्था, नेत्रों की ज्योति आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। च्यवन मुनि के संसर्ग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम था प्रमति और प्रमति की पत्नी का नाम था प्रतापी और प्रतापी के पुत्र हुए रुरु। उन्हीं दिनों एक स्थूल केश नाम के तपस्वी राजा थे, स्थूल केश नाम के तपस्वी महात्मा थे। तो विश्वावसु और मेनका दोनों एक जगह जल में क्रीड़ा कर रहे थे और क्रीड़ा करते करते मेनका को गर्भाधान हो गया, उससे एक पुत्री होने का जब समय आया तो स्थूल केश नाम के मुनि के आश्रम पर आकर मेनका नाम की अप्सरा ने उस कन्या को जन्म दिया और ऋषि को सौंप करके स्वर्गलोक को चली गई। उस कन्या का पालन पोषण महाराज स्थूल केश ने किया। अब एक दिन कैसे भी करके महात्मा रुरु ने यह समाचार पा लिया कि इस समय सबसे अधिक कोई सुंदरी कन्या यदि इस क्षेत्र में है तो वो है महाराज स्थूल केश की बेटी, और जैसे ही उसको देखे मन मुग्ध हो गया, विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। स्थूल केश महाराज ने भी कह दिया ठीक है, आपका बालक भी ऋषि का है और मैं भी ऋषि हूं, मेरे यहां बिटिया है, आपके यहां बेटा है, दोनों का विवाह कर देते हैं। और अच्छी बात है, उत्तम कुल है, विवाह की बात हो गई, सब जनों को पता चल गया। विवाह का मुहूर्त जैसे ही समीप आया निकट, तो कन्या अपने आंगन में चल रही थी, टहल रही थी, घूम रही थी, उसको एक सर्प ने काट लिया। और जैसे ही सर्प ने काटा, दष्टा तुपन्नगे नाथा सममार बरांगना कोलाहलस्तदा जातो मृताम दृष्ट्वा प्रमदवरां। उस कन्या का नाम था प्रमदा, वह कन्या मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई। इधर रुरु ने जब सुना कि मेरी होने वाली पत्नी विवाह से पहले ही मर गई, तो रुरु की ये हालत हो गई, रुरु ने रो रो करके पूरा घर भर दिया महाराज। इतना बिहुअल हो गया, काया सूख गई, चेहरा कुमला गया, हड्डियां दिखने लगी, चारों तरफ चर्चा फैल गई। लोगों ने कहा पत्नी के प्रति इतना प्रेम अच्छा नहीं होता है, और अभी बनी थोड़ी थी, बनने वाली थी, और बिहुअल हो जा रहे हो, प्राण तागे जा रहे हो। रुरु ने कहा मैं मरना ही चाहता हूं, मेरा यह दुर्भाग्य ही तो है कि जिससे विवाह होना था वह विवाह के पहले ही मर गई, मैं ऐसा दुर्भागी क्यों हूं, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, जो मेरे मन के अनुकूल थी अब वह नहीं है, मैं प्राण त्यागूंगा, मेरा मर जाना ही ठीक है। पर एक बात है, मृत्यु लोक में तो उससे नहीं मिल पाया,
उससे विवाह नहीं हो पाया। मरने के बाद भी तो उससे मिलन नहीं होना है, तो फिर मेरा मरना भी बेकार ही है। आखिर मैं क्या करूं? अब सोचिए, एक ऋषि पुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। मरकट कहते हैं बंदर को, और नट कहते हैं नाचने वाले को, जो खेल दिखाने आते हैं उसको नट कहते हैं, अब मरकट कहते हैं बंदर को। इतनी दिव्य उपाधि दी है उन्होंने कि है पुरुष स्त्री के विवश होकर के बंदर और मदाड़ी की तरह इधर उधर नाचता फिरता है। कल्पना कीजिए कि अभी रुरू का विवाह हुआ नहीं था, होना था, और इसकी ये हालत हो गई कि मरने को तैयार हो गए। तो देवलोक से कुछ दूत आए, उन्होंने रुरु से कहा कि मरो मत, और इस तरह की झूठी कल्पना करना ठीक बात नहीं, वो तुम्हारे भाग में ही नहीं थी। इतना ज्यादा क्यों उसके लिए? पर मुझे तो उसी से विवाह करना है। तो देवदूत ने कहा कि उससे और बढ़िया सुंदरी यदि तुम्हें प्राप्त करा दी जाए तब तो ठीक हो जाओगे। बोला नहीं, विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करूंगा। देवलोक के दूत ने जब सोचा कि अब तो रुरूक महाराज के लिए बड़ा ही मन में विवाह की उसी से उत्सुकता है, तो देवदूत ने एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि यदि आप उससे ही विवाह करना चाहते हैं, उस सर्प के दंशन से आपकी होने वाली पत्नी की मृत्यु हुई है, तो एक क्रिया है, कुछ मंत्र हैं, क्रिया और मंत्र दोनों के संयोग से आप अपनी आधी आयु, आपकी होने वाली जो पत्नी मर चुकी है उसको देकर के पुनः जीवित कर सकते हैं। रुरु ने कहा मैं आधी चौथाई हिस्सा दे दूं, थोड़ी सी बची रहे मेरे पास, पर विवाह तो उसी से होगा। और वो मंत्र उस क्रिया से रुरु ने पुनः से अपनी पत्नी प्रमदवारा के लिए जीवित कर दिया, विवाह किया। तो परीक्षित ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिसकी मृत्यु हो जाए दोबारा मैं जी नहीं सकता। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हमारे यहां हैं। श्री जमदग्नि ऋषि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, आपने शायद कथा श्रवण की होगी, वो भी पुनर्जीवित है। परशुराम जी के पिताजी, परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी के अतिरिक्त तो और भी इनके बड़े भाई थे, परशुराम तो सबसे छोटे थे, और इनका नाम पहले केवल राम था। इनकी माता रेणुका एक दिन जल लेने के लिए और लकड़ी संचय करने को सरोवर के किनारे गई। सरोवर के जलाशय के किनारे, नदी के किनारे बढ़िया बढ़िया वृक्ष खड़े होते हैं, उनकी सूख सूख के कुछ लकड़ियां गिर जाती हैं, तो जमदग्नि ऋषि को संध्या वंदन इत्यादि के लिए जल भी आ जाएगा, लकड़ी भी आ जाएगी। जल लेने के लिए गई, इधर सहस्रार्जुन नाम का एक राजा आया और सभी के लिए जमदग्नि ऋषि सहित परशुराम जी के छोटे भाइयों सहित
मार दिया, क्योंकि जमदग्नि ऋषि ने इसको कपिला गाय देने से मना कर दिया था। इसने मौका पाके जमदग्नि को मार दिया। उधर से जब मां चिल्लाई, राम राम राम, तेरे पिता और तेरे भाइयों को मार दिया, तो परशुराम जी आए। फिर भाई राम से आज जब परसा उठाए हैं, तब बने परशुराम। तब उन्होंने प्रण लिया था कि इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, और 21 बार, एक बार नहीं 21 बार। जब जब पता चले कि अब क्षत्रिय होने लगे हैं, उठा फरसा एक तरफ से सब साफ। लेकिन जमदग्नि ऋषि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पर बल था तपस्या का, मंत्रों की शक्ति थी, तो परशुराम जी ने अपने पिता की अस्थियों को इकट्ठा किया और वो जीवित हो गए। तो मंत्र के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से यदि व्यक्ति चाहे तो पुनर्जीवन भी पा सकता है, यदि आयु शेष है तो। आपका पूरा जीवन होने के पहले यदि मृत्यु हो जाए तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो अमर कोई नहीं है। मरना तो सभी को है। आप सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ऐसी कोई औषधि मिल जाए कि फिर से 50-60 साल का चल जाए। कोई भी व्यक्ति, मैंने कल भी कहा था, मरना कोई नहीं चाहता है। जिस व्यक्ति के शरीर ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, जीभ अब लटपटाने लगी, मुंह में दांत नहीं बचा, पेट में आंत नहीं बची, कहीं कुछ नहीं बचा, सर में बाल नहीं बचे, यहाँ तक कि अब तो गाल भी ऐसे चिपक गए, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि अब जाओगे, तो भी वो व्यक्ति कहता नहीं, कुछ देखना बाकी रह गया है। पर समय आने पर यदि कोई मर जाता है तो वह पुनः जीवित नहीं होगा। यदि अकाल मृत्यु किसी कारण से देव संयोग बस ऐसा हो जाता है, तो मंत्रों में वह शक्ति है, ऋषियों के वह तप था। अब तो ये सभी की बात है और मैं कह भी रहा हूं, निश्चल मन व्यक्ति सच्ची बात बोलता है। अब तो असल में प्रणाम करने वाले लोग भी इतने हो गए कि आशीर्वाद देने वालों का आशीर्वाद ही नहीं लगता। बोलो राधे राधे। हमारे पास ही एक दिन में 100-200 लोग आते हैं, बाबा ये दिक्कत है। हाँ भैया ठीक। तो अब जब प्रतिदिन आशीर्वाद जाएगा और भजन का फल कुछ इकट्ठा नहीं होगा, तो आशीर्वाद के खाक लगेगा। पहले ऋषि महात्मा लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे और एक बार कहीं जाकर के किसी को आशीर्वचन देते थे, वह सफल होता था। अब तो कितने भी सर पे हाथ पटकवाते रहो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, मेरे पास आना भी नहीं। दूर ही से परीक्षित ने कहा जिया जा सकता है, कुछ ना कुछ प्रयास किया है। सप्त सात तल का ऐसा भवन बनवाया, हवा भी परीक्षित की इजाजत के बिना अंदर ना आ सके। सैनिक मंत्री चारों तरफ लगे हैं, चीटी भी बिना इजाजत के ना आ जाए। कांच के भवन बना दिए साहब, और सात तल के ऊपर परीक्षित ने अपना निवास बनाया। अब इसके बीच में एक बहुत बढ़िया कथा और आती है। परीक्षित तो प्राण बचाने के लिए सात तल वाले भवन में रहने लगे। इधर वृद्ध ब्राह्मण वेषेण तक्षकः पथि निर्गतः अपश्यत् कश्यपं मार्गे व्रजन्तं नृपतिं प्रति। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके तक्षक परीक्षित के भवन की ओर आ रहा था, वह नांग। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके
परीक्षित की भवन की तरफ। और उसी रास्ते में उसको कश्यप नाम के एक ब्राह्मण से भेंट हो गई, मार्ग में दोनों मिल गए। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो, कोई दक्षिणा मिलने वाली है क्या? गति बढ़ जाती है देख के। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पहले काम करूंगा फिर दक्षिणा मिलेगी। तक्षक ने कहा, क्या काम करते हो? ब्राह्मण ने कहा कि आज परीक्षित के लिए तक्षक नांग दर्शन करेगा और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी मैं परीक्षित को पुनः जीवित कर दूंगा। अच्छा, इतनी सामर्थ्य है तुम में? कश्यप ब्राह्मण ने कहा, हाँ है। जीवित कर सकते हो? हाँ। बूढ़े ब्राह्मण का वेश रखे हुए तक्षक ने कहा कि वो तक्षक मैं ही हूं और यदि तुम में किसी मरे व्यक्ति को जीवित करने की मंत्र शक्ति है तो परीक्षण करके दिखाओ। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, कर लो। तक्षक नांग ने एक वृक्ष का दंशन किया अपने दांतों से और जैसे ही वृक्ष को उसने जहर से प्रभावित किया महाराज, वृक्ष जल करके धू धू करके राख हो गया। इसना भयंकर विष था। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण मेरी यह विष का प्रभाव है कि यह वृक्ष जल करके राख हो गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, यह ब्राह्मण की तपस्या का तेज है। हाथ में जल लेकर के जैसे ही मंत्र पढ़ के मारा, जला हुआ राख वृक्ष पुनः से हरा था। और जैसे ही हरा वृक्ष हुआ, तक्षक चरणों में गिर गया, बोला, महाराज मैं समझ गया कि अब तो ब्राह्मण से बचना मुश्किल है। इसने कहा कि तुम आखिर जा क्यों रहे हो परीक्षित को बचाने, उनके पुरोहित हो, आचार्य हो, कुलगुरु हो, कौन हो? कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं परीक्षित का, फिर क्यों उसके प्राण बचाने जा रहे हो? क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है। किस लिए? बेटी का विवाह करना। मैं परीक्षित के प्राण बचाऊंगा, वह मुझे धन देंगे, उसके बदले में अपनी बिटिया का धूमधाम से विवाह कर लूंगा। तक्षक ने कहा कि क्यों आप बिना मतलब के परीक्षित को बचाने जा रहे हैं? अरे उसको श्राप लगा है, ब्राह्मण का श्राप मिथ्या हो जाएगा और प्रकृति पलट जाएगी, फिर तो लोग मन चाहा आचरण करने लगेंगे। यदि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई तो परीक्षित ने तो अनजाने में ब्राह्मण का अपमान किया है, पर माई बाप इसको प्रमाण मान करके हर घर में ब्राह्मण का अपमान होना शुरू हो जाएगा। तक्षक ने कहा कि मैं परीक्षित का विरोधी नहीं हूं, परीक्षित के किए हुए आचरण का विरोधी हूं। मेरा परीक्षित ने कुछ नहीं बिगाड़ा, परीक्षित ने तो ब्राह्मण का बिगाड़ा है। अनुशासनम मे क्रियताम, भले मेरी जीभ में विष है पर अनुशासन का ही पालन करता हूं। अच्छा, तो सचमुच क्या मुझे परीक्षित को नहीं बचाना चाहिए? लेकिन मुझे तो मेरी बिटिया का विवाह करना है, धन की आवश्यकता है। अब पाप लगे या पुण्य, हम तो परीक्षित को बचाएंगे। तक्षक बोला, कितना माल पानी देगा राजा? अब कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण है, हाथ में माला झूली रहती है, हमें क्या पता कितना धन देगा। अरे फिर भी कुछ तो कश्यप ब्राह्मण ने कहा, हमें केवल इतना चाहिए कि बिटिया का विवाह हमारा बढ़िया से हो जाए और अपने राम को तो भजन में लगे हैं, इससे अलावा कुछ लेना देना नहीं है। एक कुशा की पर्णकुटी बना करके उसमें बने रहते हैं, कुशे का आसन बिछा होता है, तूमड़ी में जल रखा रहता है, यही हमारा ब्राह्मण का सिद्धांत है। हमारे पूर्वाचार्य जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई थी कि हमारे ब्राह्मण कभी भिक्षुक नहीं थे,
हाँ गरीब थे, गरीब थे, विद्या अध्ययन कराते थे पर निशुल्क, उसका पैसा नहीं लेते थे, गुरुकुल चलते थे। कोई अपनी स्वेच्छा से दे जाता था तो उस धन के लिए वह अवश्य ले लेते थे, पर ऐसे किसी के हम मांगते नहीं थे, संतोषी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा महाराजाओं को कह देते हमारा अमुक काम है, इसको करवा दीजिए। एक पूज्य रामकृपाल त्रिपाठी जी वृंदावन वाले कथा सुना रहे थे, मुझे अधिक याद तो नहीं है। अयोध्या में कोई ब्राह्मण थे, वेद पाठी, गुरुकुल चलाते थे, कई बच्चे उनके यहाँ पढ़ते थे, कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उस का समय आया बालक के प्रसव का, जन्म का, तो उन्होंने एक दासी के लिए बुलाया और दासी ने उसकी सेवा की, ब्राह्मणी की, वेद पाठी पंडित जी की, पंडितायन की सेवा की। बालक जब हो गया तो दासी ने कहा कि महाराज मुझे कुछ न्योछावरी तो दे दो। तो पंडित जी बोले अपने पास तो कुछ है ही नहीं न्योछावरी, होगी तो तब जब कोई देगा या किसी से मांगेंगे। ब्राह्मण ऐसे होते थे, होगी तो तब। तो महाराज क्या मैं बिना न्योछावरी की जाऊंगा? नाना दासी बिना न्योछावरी की नहीं रहेगी, पर एक बात है, अगर तू विश्वास करे तो। दासी ने कहा क्या? ये बालक पहली जो कमाई करेगा ना, निश्चित रूप से वो कमाई तुझे ही दी जाएगी। हरि बोल, हरि बोल। वो शायद अयोध्या की घटना है या काशी की है, दो में से कहीं की ऐसी जगह की घटना है, बड़ी प्रमाणिक घटना है। वह बालक 4 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का बालक हो गया। एक राजा के कुछ प्रश्न थे, उसके प्रश्न का उत्तर देने की किसी की सामर्थ्य नहीं थी, पर वेद पाठी ब्राह्मण का बालक था, जन्म से संस्कार और खून में ही उसको वेद भरा हुआ था, शास्त्र भरे हुए थे, पंडितज्ञ बन गया था। बड़े बड़े शास्त्रधारी जब पराजित हो गए, इसने जाकर के राजा के दरबार में उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, और जैसे ही उत्तर दिया तो राजा ने मणिमाणिक्य इतना धन इसके लिए दे दिया, उठाना मुश्किल हो गया, हजारों सैनिक इसके साथ में वो उपहार लेकर के आए। और जैसे ही इस बालक ने आके अपने पिता के सामने उस धन के लिए रखा, पिता ने कहा बेटा ये मेरा अधिकार नहीं है, तेरे जन्म के समय मैंने जो तेरी माँ की सेवा दासी ने की थी, उस दासी से कहा था कि मेरा बालक पहली जो कमाई करेगा वो सब तेरी होगी, और आज ये मणिमाणिक्य के उपहार जो तेरे पास हैं, जो तू लेके आया है, ये पहली कमाई उस दासी को दे करके आ। देखे तक नहीं कि इन थालों में क्या भरा हुआ है। उस दासी के पास जब लेकर के गए, दासी रोने लगी, बोले ऐसे भी ब्राह्मण, ऐसे भी सत्यवादी ब्राह्मण अभी है। दासी ने कहा महाराज मैं इतना ले नहीं सकती हूं, क्योंकि फिर मैं दासी से एक बड़े परिवार जैसी हो जाऊंगी, मेरे ऐश्वर्य आने पर मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मैं इतना धन नहीं लूंगी। बाद में फिर कोई एक घाट बनवाया गया था उसी धन से, जो उस ब्राह्मण बालक ने, ब्राह्मण कहें कि बेटे की कमाई मैं नहीं लूंगा, मैं वचन दे चुका था कि पहली कमाई तुझे ही दी जाएगी। अब वो दासी कहे मैं इतना सारा लूंगी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ब्राह्मण होते थे। आज कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा कि अपने राम को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बेटी का विवाह हो जाए, बस इतना सा धन चाहिए, मृत संजीवनी विद्या। तक्षक ने कहा उससे दुगना हमसे ले लो, तुम्हारी बिटिया के विवाह में जो लगे वो ले लो, पर यहां से चले जाओ, परीक्षित को हमें टेंशन करके उसको मृत्यु को प्राप्त करा देने दो। ऐसा कह के ब्राह्मण को धन दे करके तक्षक नांग ने लौटा दिया, और जो उसके सहयोगी नांग थे तक्षक के, उन सभी के लिए उसने ब्राह्मण का वेश धारण करवाया। अब ब्राह्मण का वेश धारण करके सब नांग आए,
सब नांग आए फल की टोकनी लिए, सुंदर सुंदर फल। परीक्षित के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपालों ने पूछा क्यों आए हो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने कहा कि हमको पता चला है कि परीक्षित को श्राप लग गया है, ऐसे धर्मज्ञ राजा हैं तो मिलने के लिए आए हैं। ब्राह्मण के वेश में सब नाग ही थे वो। द्वारपालों ने कहा पर महाराज से हमको अनुमति लेनी होगी। परीक्षित के पास जाके पूछा कुछ ब्राह्मण टोली मिलने आई है। ब्राह्मण के नाम से वैसे भयभीत था क्योंकि ब्राह्मण ने तो श्राप दिया है। परीक्षित बोला ना 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 मैं नहीं मिलूंगा, और उनसे कह दीजिए मैं कल मिलूंगा। आज सातवां दिन है, आज तक्षक के डसने का दिन है, आज बच गया तो कल मिलूंगा। सो तो ठीक है, पर ब्राह्मणों से क्या कहा जाए, वो उपहार लेके आए हैं फल वगैरह, फल की टोकनी उनके हाथ में है। परीक्षित ने कहा फल ले लो, प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है, और उनसे कल आने के लिए कह दो। द्वारपाल आया, कहा महाराज फल की टोकनी हमें दे दो, आप कल मिलिएगा, महाराज आज मिल नहीं सकते। उन फल की टोकनी में बहुत सुंदर फल रखा हुआ था। परीक्षित ने वह फल ले लिया और मंत्री सेवकों से कहा कि ये और प्रसादी जो है ब्राह्मणों को, वह सब तुम बांट लो, एक फल मैं ले लेता हूं। जैसे ही परीक्षित ने उस सुंदर से पके हुए फल को तोड़ा, तक्षक नांग उसमें छोटा सा कीड़ा बन करके बैठ के आया था उसी फल में, और जैसे ही तोड़ा कि देखते ही देखते उस तक्षक ने विकराल स्वरूप ले लिया। परीक्षित समझ गया कि अब मुझे बचना मुश्किल है। उसी समय परीक्षित ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्राप को मैं अंगीकार करता हूं, अब यह तक्षक मुझे डस ले, मेरी मृत्यु हो ही जानी चाहिए। बचने का प्रयास किया पर वह असफल है, और व्यक्ति को अन्यथा प्रयास करना भी नहीं चाहिए, विधि का जो विधान है उसी के अनुसार चलना चाहिए। अंगीकरोमि तं शापं कृमिको मां दशद्वयम् एवमुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां सन्निवेशय। परीक्षित ने उस कीड़े के लिए उठा के अपने गले पर बिठा लिया और कहा मैं अंगीकार करता हूं, श्राप को मुझे दंशन कर लो। जैसे ये कहा उसने दंशन किया, शरीर में दिव्य विष अग्नि से परीक्षित के प्राणांत। परीक्षित के परधाम जाने के बाद सभी लोगों को सूचना मिली, सब लोग एकत्रित हुए। जनमेजय परीक्षित का बेटा है, उसको बुलाए, कहे पिता का संस्कार करो, अग्नि संस्कार के बिना हमारे सनातन में व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। अब ये अलग बात है कि कई धर्मों में अपनी अपनी प्रथाएं हैं, तो हम किसी की अवहेलना भी नहीं करते हैं, पर सनातन यह कहता है, हमारी संस्कृति यह कहती है कि यदि ये शरीर को अग्नि में न जलाया जाए तो वह व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, वह बद्ध रहता है। क्योंकि और जो धर्म है उनमें एक जन्म की बात कही जाती है, और हमारा जो सनातन धर्म है इसमें हजार धर्मों की बात कही जाती है, करोड़ों धर्मों की। अरे 84 लाख योनियां तो कम से कम बताई हैं, माने इतनी प्रकार के तो होते हैं, 84 लाख योनियां जो बताई हैं इतने प्रकार के होते हैं जन्म। दाह संस्कार के लिए जन्मेजय से कहा गया, उसने दाह संस्कार किया। अग्नि क्रिया करने के बाद सभी ग्रामवासियों ने और परीक्षित की पत्नी ने, मंत्रियों ने, गुरुओं ने मिलकर के जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाला। जन्मेजय खूब बढ़िया राजगद्दी संभालने लगे, और एक काशी राज की पुत्री थी जिसका नाम था बपुष्टिका। बपुष्टिका के साथ जन्मेजय का विवाह हुआ।
खूब दिनों तक क्रीड़ारत रहे, बढ़िया से धर्म राज्य चला, कहीं कोई चिंता नहीं। एक समय ऐसा आया, एक उत्तंक नाम का ब्राह्मण आया, उसको भी तक्षक ने कभी परेशान किया था। उसने सोचा कि तक्षक से बदला लेने का ये अच्छा समय है, तो इसके पास में आया, परीक्षित के पास, ओ जन्मेजय के पास। कहा, कैसे राजा हो तुम, शांत बैठे हो? अरे, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, मैं क्या करूं? उत्तंक नाम के ब्राह्मण ने कहा, अकर्तव्यम करोष्यद्या कर्तव्यम न करोषि भई। अरे, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हो। महाराज, मैं समझ नहीं रहा हूं क्या करना चाहिए जो नहीं कर रहा हूं, और ऐसा क्या कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए। उत्तंक नाम के ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लिया तक्षक से। जो पुत्र अपनी पिता की मृत्यु का बदला उसके शत्रु से नहीं लेता, वह पुत्र कहलाने के लायक नहीं। जो पिता का शत्रु है वह पुत्र का शत्रु है। तो वह तो श्राप था मेरे पिता के लिए, इसलिए ना ना ना, कैसे भी करके इसके लिए बदला ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्या करें? तो उत्तंक नाम के मुनि ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कराओ, उसमें आहुति के रूप में जो हम लोग हवन साकेल डाल रहे हैं ना, या स्वाहा ऐसे छोड़ते हैं, आहुति के रूप में सर्पों की आहुति दी जाएगी, सर्पाय स्वाहा। जितने भी नांग हैं संसार में सबको एक तरफ से मिटा डालो, सर्प ही ना रहे, तभी तुम्हारी मृत्यु का बदला पूरा होगा। इधर उस तक्षक ने देखा कि अब तो सर्पेष्टि यज्ञ हो रहा है, मेरा बचना मुश्किल है, तो वो गया इंद्र के पास। इंद्र से बोला, मुझे बचा लो। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तो हूं। इंद्र ने आश्वासन दिया और कहा, मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन महाराज, मंत्रों की ऐसी शक्ति होती है, इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक नाम को मंत्र की शक्ति स्वर्ग से खींच कर लाने लगी। और जैसे ही तक्षक खींच करके आने लगा तो घबराया, बोला, महाराज अब तो ये आपका इंद्रासन भी गया, मैं भी गया, और साथ में आप भी गए। ये थी ब्राह्मणों के मंत्र में शक्ति। एक मृत को जीवित कर सकता है, दूसरा इंद्र के सिंहासन सहित स्वर्ग से खींच सकता है। आस्तिक मुनि आए, उन्होंने कहा कि यज्ञ बंद करो, क्यों बेचारे इन सर्पों की बलि दिए जा रहे हो? ये उत्तंक के कहने में आके तुम बिना मतलब से इन सर्पों का अपराध अपने सर ले रहे हो। अरे, जीव कैसा भी हो, किसी भी योनि में जन्मा हो, उसको मारना हमारा धर्म नहीं है। पाप उतना ही लगता है, चाहे चींटी को मारो या हाथी को। कोयल को मारो या कौआ को, गिरगिट को मारो या सर्प को, कूकर को मारो या सूकर को, अपराध बराबर लगेगा। क्यों सर्पों को मारे जा रहे हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा? बात समझ में आ गई, यज्ञ बंद कराया। ये आस्तिक मुनि कौन है पता है? ये आस्तिक मुनि
की मां, आस्तिक मुनि की मां सर्पों की बहन है। एक बार कद्रु और विनीता कश्यप जी की पत्नियां थीं, दोनों में शर्त लगी, सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं उस घोड़ों की पूंछ के बाल किस कलर के हैं। तो विनीता ने कहा कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं उस रथ में घोड़ों की पूंछ के बाल सफेद हैं। और कद्रु ने कहा कि नहीं, सफेद नहीं है, उन घोड़ों की पूंछ के बाल काले हैं। दोनों में शर्त हो गई कि जो जीत जाएगी वो स्वामिनी रहेगी, जो हार जाएगी वो जीतने वाले की दासी बनेगी, और जो वो कहेगी उसको वो करना पड़ेगा। दोनों में शर्त हो गई, एक दूसरे की सौतन थी, कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां थी। विनीता के पुत्र गरुण जी हैं और कद्रु के पुत्र नांग हैं। प्रातकालीन वेला में देखा जाएगा सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ कैसी है। सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य के रथ की तरफ देखा तो आपने देखा होगा थोड़ा सा मटमेला सा लगता है, असल में सर्प जाकर के और घोड़ों की पूंछ से लिपट के बैठ गए ताकि हमारी मैया जीत जाए सर। और जैसे ही देखा तो सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ के बाल काले देखे, क्योंकि नांग जाके लिपट गए थे। अब गरुण जी की माता को दासत्व स्वीकार करना पड़ा, दासी बन गई। जहां वो जाती कद्रु कहती है चल मुझे वहां जाना है, कंधों पे बिठा, तो बिचारी कंधों पे बिठा के अपनी सौतन को ढोती। गरुण जी को पता लगा मेरी माँ दासी बन गई है। गरुण जी ने कहा मुझे यदि माँ को दासी से मुक्त कराना है इसके लिए क्या कर लो, कोई उपाय? तो सर्पों ने कहा कि यदि स्वर्ग से लाके अमृत हमें पिला दो, क्योंकि हम जहरीले हैं तो जहर नष्ट हो जाएगा, अमृत ही विष को काटता है, यदि हमको अमृत पिला दो तो हम तुम्हारी मां को बंधन से मुक्त कर देंगे। श्री गरुण जी स्वर्ग में गए, इंद्र से कहे अमृत का कलश दे दो। इंद्र ने अमृत देने से मना कर दिया, इंद्र को सेना सहित पराजित गरुण जी ने करी। सेना सहित पराजित करके अमृत का कलश लेके आए, सर्पों से कहा लो ये मेरी मां को बंधन से मुक्त करो। मां जैसे ही बंधन से मुक्त हो गई तो गरुण जी ने देवताओं से कहा चोरी से, कहे अब इस कलश को चुरा लो, इन्होंने मेरी मां से छल किया था, सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ से लिपट के नागों ने मेरी मां से छल किया था, अब मैं इनसे कर रहा हूं दिया हुआ अमृत, तुम चुरा लो। अमृत चुरा लिया, सर्पों ने कहा हाय राम, जिसके पीछे इतना बड़ा प्रपंच रचा, जिसके पीछे इतना बड़ा जो है इतने दिनों से प्रतीक्षा थी, हमारी माँ ने हमारी सौतेली माँ को दासी बनाया और ये गरुण के लिए हमने देवताओं से युद्ध करवाया और वो अमृत का कलश ना जाने कहाँ चला गया। घबराने लगे तो किसी बूढ़े सर्प ने सलाह दी कि ऐसा करो, एक कलश जहाँ रखा था जैसे मिट्टी का घड़ा रखते हैं ना, तो मिट्टी के घड़े में से कुछ कुछ पानी चू जाता है ना, तो कुछ बूढ़े सर्पों ने सलाह दी कि अब अमृत तो नहीं मिलेगा, पर जहां पे कलश रखा था कुछ अमृत चू गया होगा उसी को जीव से चाट लो। कौतुक से वहां कुसा बिछी हुई थी, और इन सर्पों ने जैसे ही अपनी जीव से चाटा तो कुसा बड़ी पेनी होती है, आपने ध्यान दिया होगा ऐसे फेर दो कट जाता है, इनकी जीव कट गई, दो भाग हो गए, तभी से सर्पों की दो जीव हो गई। बोलो राधे राधे। इधर जो है विश्वावसु नाम के नांग ने अपनी पुत्री का विवाह है ऋषि के साथ किया।
वह ऋषि नाराज हो गए, हमको बिना आज्ञा के क्यों जगाया। उन्होंने इनकी कन्या के लिए गर्भवती थी और घर भेज दिया, पर नागों के यहाँ जन्म हुआ था आस्तिक मुनि का, उनका ननिहाल पक्ष था, आज उनको बचाने के लिए आस्तिक मुनि यहाँ पर उपस्थित हुए थे, यज्ञ को बंद करवाए वही आस्तिक मुनि थे। इसी के साथ में हम इस स्कंद को प्रणाम करते हैं, अगले स्कंद में चलते हैं। समय बहुत जल्दी बीतता है, भजन भी नहीं गा रहे हैं और एकदम मस्ती में चल रहे हैं, उसके बाद भी घड़ी चली जा रही है। अगली बार से ऐसा करेंगे, सुबह से कथा कहना शुरू करो, शाम तक कथा ही चलती रहे। और सच बात ये है कि हमको अगल बगल की बातें कम करना प्रिय लगता है, अटपटी बातें। आज के समय अशास्त्रीय विधा जाना चल रही है, ये ध्यान देना। लोग कैसे खुश हों, प्रवक्ताओं का यह ध्येय बन गया है। लोगों को ज्ञान कैसे मिले, उनका मार्ग कैसे सुधरे, इससे किसी को मतलब नहीं है, पर हमसे तो वह हो नहीं पाता है। किसी भी प्रसंग को कहना शुरू कर दो, उसमें समय लग जाता है। तो इस तरह से जन्मेजय का यज्ञ विश्राम कराया। अब जन्मेजय ने कहा कि मेरे मन में बड़ी असंतुष्टि है, मैंने इतने सर्पों की प्राणाहुति करवा दी है, मुझे पाप लग गया होगा, मैं अपराधी हो गया, इस अपराध से मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय माँ भगवती की शरण में जाओ, माँ भगवती की कथा सुनो, और उनकी कथा सुनने से तुम निष्पाप हो जाओगे। उनकी कथा सुनने से जितने भी सर्प तुम्हारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका अपराध क्षम्य हो जाएगा। ये जन्मेजय से श्री वेदव्यास जी ने कहा, और अब वह कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। वेदव्यास जी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले जन्मेजय ने 6 प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत में भी ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और श्रीमद् देवी भागवत में जन्मेजय ने व्यास जी से 6 प्रश्न किए। ध्यान से सुने क्या है। स्वतंत्रास्ते महात्मानां पाराशय वदस्वमे आहु स्वित परतंत्रास्ते श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। हे पाराशर्य पुत्र वेदव्यास जी, आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, ये सर्व स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, मृत्यु धर्मास्य तेनो वा सच्चिदानन्द रूपिणा अधिभूतादिभिर्युक्ता नवा दुखे स्त्रीधात्मक। ये जो देवता हैं, ये मरण धर्म है या नहीं, देवताओं की मृत्यु होती है या नहीं होती, क्योंकि एक शब्दकोश में देवताओं का नाम अमर भी आया है, जबकि वर्णन यह आता है कि चीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। आप स्वर्ग में तब तक रह सकते हैं जब तक आपके पास धर्म रूपी टिकट है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, उसकी टिकट की सीमा होती है कि बाढ़ से आप पटना का टिकट लिए हैं तो पटना तक ही ना जाएंगे साहब, उससे आगे तो नहीं जा पाएंगे, और यदि जाएंगे तो टीटी धक्का दे के आपको नीचे कर देंगे, यही होता है। इसी तरह स्वर्ग में धर्म रूपी टिकट चलता है, जिसके पास जितना धर्म होगा अपने पास इकट्ठा उसके जीवन का किया हुआ, उतने दिन तक ही स्वर्ग में रहेगा, धर्म खत्म हुआ मृत्यु लोक में आ गए। तो प्रश्न यह है कि जो देवता पुनः से पुनरपि जननी जठरे शयनम इस सूत्र में बंधते हैं, वह देवता अमर कैसे हो सकते हैं? वो मरते भी हैं, या कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ पाई,
नहीं आ पाई तो उनको समझाइए। ये प्रश्न दो। तीसरा प्रश्न है, कालस्य वसेगानो वा ते सुरेन्द्रा महाबला कथम ते वै समुत्पन्ना कस्मादिति न संशयः। मैं यह कहना चाहता हूं कि देवेश माने इंद्र काल के वशीभूत हैं या नहीं है। काल इंद्र को ग्रसित करता है या नहीं करता है। जैसे हम लोगों के लिए काल की गति का मतलब होता है कि जब हम जन्मे थे तब कैसे थे, बोलो हाथ उठा के कैसे थे, छोटे से बच्चे थे ना, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर कैसे हुए, सुंदर से हृष्ट पुष्ट से, धीरे धीरे फिर उम्र बढ़ी, फिर वही हमारी वृद्धावस्था आने लगी, शरीर में फिर परिवर्तन होने लगा। तो हम सब काल की गति के अंदर हैं। ये काल की गति है। एक छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा, एक समय आने पर वह सूख जाता है। तो वृक्ष भी काल की गति के अंदर है। नदियां यद्यपि प्रकृति का विधान है लेकिन नदियां भी काल की गति के अंदर है। समुद्रों के किनारे जाकर देखो, पुराने लोग बताते हैं पहले समुद्र का यहां तक किनारा था, अब यहां तक पहुंच गया, यही बात है। नदियों के किनारे जाकर के देखो, लोग कहते हैं पहले ये नदी का यहां तक था पूरा घाट, अब तो साफ छोटी सी बची, वही भी काल की गति। तो जो इंद्र है वह काल की गति के अधीन है या नहीं है, काल की गति उसे प्रभावित करती या नहीं करती। कितने प्रश्न हो गए, सब लोग बोलो कितने हो गए, जोर से बोलो। कुछ लोगों को पता ही नहीं। चौथा प्रश्न है, हर्ष शोक युतास्ते वै निद्रालस्य मनोन्विता सप्त धातुमयास्ते शाम देहा किं वान्यथा। ये बताएं, जो देवता हैं या भगवान नारायण हैं, ये जैसे हम लोग पंच तत्व से बने हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से ही हम बने हैं। तो क्या देवता भी पंच तत्व से बनते हैं? हमारी जैसे शरीर की रचना अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस सोणित लेपनम चरमाबनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो, भागवत में आया है। हमारे शरीर की रचना कैसी है? जैसे मकान बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, पहले उसके स्तंभ बनाएंगे, और स्तंभ किसके बनाएंगे, तार के, लोहे का सरिया खड़ा करेंगे, उसके पिलर बनाने के लिए पहले स्तंभ बनाए। इसी तरह हड्डी के पहले स्तंभ बनाया गया। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, फिर छोटी छोटी नसों से हमारे शरीर को, उन हड्डियों को बांधा गया। मांस सोणित लेपितम, फिर जैसे हम अपने मकान पर बढ़िया से सीमेंट करवाते हैं, उसकी छाव करवाते हैं, इस तरह से हमारे ऊपर मांस रूपी छाव की गई। और जब वह छाव हो गई तो अब मकान को भैया सुंदर बनाना है तो नाना प्रकार के कलर आते हैं, रवि जी बहुत प्रकार के कलर आते हैं, कुछ हरा सा, कुछ पीला सा, कुछ लाल सा, कुछ सफेद सा, तो जो जिसको पसंद आवे भैया वो कलर से अपनी पुताई करा ले। जैसे मकान का है ठीक उसी तरह हम लोगों के वर्ण भी, बस कोई अधिक गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गेहुआ है, कोई बिल्कुल धवल सफेद रखा है, कुछ और तरफ चले जाओ तो अलग अलग प्रकार के चेहरे भी मिल जाते हैं, सबकी अपने अपने हिसाब से रचना है। तो चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो,
फिर चर्म से उसकी पुताई कर दी, अब मकान अच्छा लगने लगा। हकीकत में क्या है, हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, रक्त है और ऊपर से चर्म चढ़ी है। पर मकान जब हम बनाते हैं तो उसमें इतना दुनिया भर का हम कचरा डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, गारा डालते हैं और वो ईंटे डालते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं डालते हैं। पुताई होने के बाद पता चलता है कि इसमें ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें लगी हैं। राधे राधे बोलो। इसी तरह हमारा शरीर है, बढ़िया सी चाम चढ़ जाए तो पता नहीं चलता कितनी गंदगी भरी है। पर हकीकत तो यह है कि यह केवल दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। आप देखना, कान में हाथ डालना और गलती से अगर नाक के पास आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कान में हाथ गया था, उसकी ये दुर्गंध है, है? नाशिका में भी यदि आपका हाथ चला जाए तो दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। मुंह में भी आप देखेंगे दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। क्यों? हमारे अंदर दुर्गंध ही भरी है। अस्थि मज्जा का है ना, बाहर से केवल बढ़िया दिख रहा है, सजावट अच्छी है, ये बात है। इस तरह से क्या देवताओं की भी रचना होती है जैसे हम मानवों की है, हड्डी चर्म मांस, देवता भी ऐसे बनते हैं? ये कितने प्रश्न हो गए? चार। पांचवा प्रश्न है, कैर द्रव्यैर निर्मितास्ते वैर कैर गुणैर इंद्रियैस्तथा भोगश्च कीदृशस्ते साम प्रमाणमायुषस्तथा। तो वो जो भगवान हैं जो इस सृष्टि की रचना करते हैं वो किन किन द्रव्यों से युक्त होते हैं, किन किन गुणों से युक्त होते हैं और किन किन क्रियाओं से युक्त होते हैं, क्या उनके मन में भी हम संसारियों की तरह कोई अभिलाषा होती है? पुत्र, मित्र, दारा, सुहृद, जैसे हम लोगों के लिए सबको देखना अच्छा लगता है, हमारे मित्र भी हों, पुत्र भी हों, ये अभिलाषा हमारे मन में रहती है, क्या देवताओं को भी ऐसा ही होता है? ये प्रश्न किया गया। अब उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि यह जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भगवती है। और ये कथा आगे आती है लेकिन क्रम के अनुसार मैं आज ही उसको समझा देता हूं। इस कथा की विलक्षणता यह है कि पहले जल ही जल था और कुछ नहीं था, तो उस जल में केवल देवी भगवती थी। देवी भगवती ने चार पुरुष प्रकट किए। कितने? चारों पुरुष प्रकट करने के बाद में उसके मन में काम भावना जागृत हुई। उसने कहा उस पराशक्ति ने कि मुझे पति की आवश्यकता है, और एक एक करके उनसे पूछा क्या तुम मेरे पति बनोगे, तो पहले ने कह दिया नहीं, क्रोधाविष्ट होकर के जैसे देखी तो जल की राख हो गया। दूसरे से पूछा क्या तुम मेरे पति बनोगी, नहीं, उसको क्रोधाविष्ट होके देखा वो भी जल के राख हो गया। तीसरे से पूछा क्या तुम मेरे पति बनोगे, उसने भी कह दिया हमारी सामर्थ नहीं, तीसरा भी जल के। चौथे से कहा, चौथे ने अब तीन की गति देख ली थी तो बुद्धि लगा ली, बोले एक बात बताओ, कहीं गलती से कुछ दिन किसी दिन हमने तुमसे कुछ कह दिया और तुम बनोगी हमारी पत्नी, और पत्नी का धर्म क्या होता है, पति की सेवा, और ये हमें तो यहाँ उल्टा लग रहा है, सब गड़बड़ है मामला, कहीं तुमने गुस्सा में हमको देख लिया तो एक दिन हम भी जल के राख हो जाएंगे जैसे बाकी लोग हुए। तो देवी ये जो तुम्हारे पास सामर्थ है, जो ताकत है, ये ताकत हमको दे दो, शक्ति जो है वो हमको दे दो। और वो उस समय इतनी आतुर हो गई कि उसको ध्यान भी नहीं रहा उस पराशक्ति को कि मैं क्या कर रही हूं। सारी शक्ति उसने उस चौथे पुरुष में
प्रविष्ट करा दी और फिर बोली अब तो हमको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो उस चौथे ने कह दिया कि अब शक्ति हमारे पास आ गई है, अब ज्यादा करोगे तो जैसे तुमने तीन को जलाया वैसे हम तुम्हें जला देंगे। बोलो राधे राधे। तो ये जब बात कही तो वह तो बिचारी निष्क्रिय हो गई, अब कुछ कर भी नहीं सकती। फिर से अमृत भरी, उस चौथे पुरुष ने अमृत भरी दृष्टि से उन तीन पुरुषों के लिए देखा, उन तीन पुरुषों के लिए देखा तो वह पुनः राग के ढेर मूर्ति में परिवर्तित हो गए और वही क्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश वही तीनों पुरुष हैं। ऐसी सृष्टि की इसकी रचना है। और जो चौथा पुरुष था वही आदि गणेश है जिसने उन तीन को बचाया और उसकी शक्ति ली, उसी को गणों का ईश कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ कई लोग बूढ़े बुजुर्ग प्रश्न करते हैं कि ये बताओ पहले शंकर जी का विवाह हुआ कि पहले गणेश जी हुए। तो यही वो आदि गणेश हैं जिनको भोले बाबा के विवाह में भी पूजा गया, लक्ष्मी नारायण के विवाह में भी पूजा गया, ब्रह्मा के विवाह में भी पूजा गया, यही वो आदि गणेश है। इस तरह से सारी बात है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो प्रश्न आपने किया है इसी प्रकार का प्रश्न जन्मे जाए नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने कहा कि ये बताइए ये ब्रह्मांड किसके द्वारा विरचित है। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। अन्य विष्णु स्तुवन्ते नम सर्वेषां प्रभुमीश्वरम परमात्मानम अव्यक्तम परशक्ति समन्वितम। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वस्व हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि के क्रम की रचना होती है, प्रारंभ वहीं से होता है। विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति होती है। और कुछ लोग यह कहते हैं कि भुक्तिदम भुक्तिदम मुक्तिदम शांतम सर्वादिम सर्वतो मुखम चतुर्मुखम सुरेशानम नाभिपदमम भवम। कुछ लोग यह कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के द्वारा हम सभी की रचना की जाती है। कुछ लोग कहते हैं रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके क्रोध से ही उनके डर से ही ब्रह्मा विष्णु रचना करते हैं चलाते हैं। अब बताइए ब्रह्मा जी सब कुछ हैं या विष्णु भगवान सब कुछ हैं या रुद्र सब कुछ है, कौन है? कुछ लोगों का तो ऐसा मानना भी है कि सहस्त्राक्षम देवदेवम सर्वेशम प्रभुमलवणम इंद्र को भी सर्वस्व मानते हैं, कहते हैं इंद्र ही सब कुछ है। और कुछ लोग सूर्य नारायण को ही सब कुछ मानते हैं। यम वरुण वायु अग्नि इन सबके अपने अपने चाहने वाले हैं और सब इनकी अपनी अपनी महिमा गाते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि सचमुच इस सृष्टि का आधार क्या है? को धर्म कीदृशो धर्मश्चिन्हं नैवोपलभ्यते। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका कोई लक्षण हमें बताइए। धर्म कैसा और अधर्म कैसा? वेदव्यास जी कहते हैं ये प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे। अब सुनो, सृष्टि की रचना तो यह है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने के बाद उस भगवती ने सबको कार्य सौंप दिए। ब्रह्मा जी ने मानवों की रचना की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार सर्वप्रथम पुत्र उत्पन्न किए। उनसे कहा सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करो। उन्होंने कहा हम तो भजन करेंगे, हरि शरणमेवम हि नित्य येषां मुखे वचा, हमें विवाह नहीं करना, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। क्रोध में ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र का अवतार हो गया, तीनों देवता हो गए
अब इन्होंने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से सतरूपा, मनु की संतान होने के कारण हम सभी मानव कहलाते हैं। ये सब सृष्टि का क्रम है। सृष्टि बहुत बड़ी है। अब सृष्टि के क्रम में यदि फंसेंगे तो आगे का हमको लगता है व्यतिक्रम हो जाएगा। 7:30 बज गए हैं पर मैंने इसी चक्कर में एक भी कोई आगे का वो भी नहीं लिया है ना, कोई भजन वगैरह। क्या हुआ आज एक कोई ऐसे व्यक्ति आ गए थे जिनसे मिलना अनिवार्य था, तो विलंब हो गया था यहाँ कथा में, इसलिए कथा को ही कहे जा रहे थे। पर आप सबकी इच्छा है तो एक दो पंक्ति का भजन हो ही जाने। तीन प्रकार के यज्ञ बताए हैं और चौथा अतिरिक्त यज्ञ बताया है। आपके यहाँ जो यज्ञ हो रहा है आप अपने हिसाब से समझ लें। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ, तीन प्रकार के यज्ञ हैं। सात्विक यज्ञ का मतलब है कि धर्म के द्वारा संचित किया हुआ धन उस यज्ञ में उपयोग हो। निष्ठावान, धैर्यवान, तेजवान, विद्वान, ब्रह्मचर्य धारण करने वाले ऐसे यदि उस यज्ञ को कराते हैं तो वह शतो यज्ञ है। सामग्री एकदम स्वच्छ हो, किसी प्रकार से उसमें मिश्रण ना हो, अशुद्धता ना हो, अपवित्रता ना हो, तो वह सात्विक यज्ञ है। देने वाले आहुति जो होता जन हो वह भी पवित्र भाव से आहुति दें, तभी सात्विक यज्ञ आपका होगा। एक है राजस यज्ञ। राजस यज्ञ कई बार अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भी लोग करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भी राजस यज्ञ किया जाता है। फलनवा ने ऐसा किया तो हम उसे बड़ा करें, उसने ऐसा किया था हम ऐसा, हमारा नाम होना चाहिए। और जिसमें खूब धन खर्च किया जाए चकाचक, कहो पता चला कि लोग आवे तो वह देखें कि हाँ इसने यज्ञ किया है, क्या वाह वाह। कई जगह प्याऊ बनवा दिए जाएं, बगीचे लगवा दिए जाएं, सरोवर बनवा दिए जाएं, यज्ञ करवाने के लिए ही। इसको राजस्व यज्ञ कहा जाता है। और एक होता है तामसी यज्ञ, राक्षसों के द्वारा किसी के प्राण हरण के लिए, किसी की पराजय के लिए, किसी के अशुभ के लिए यदि आप यज्ञ करते हैं तो वह तामस यज्ञ कहा गया है। जिसमें तामस यज्ञ में बलि की प्रधानता भी है, राक्षस लोग बलियां भी देते थे, इसको तामस यज्ञ कहा गया है। और सबसे बड़ा यज्ञ है मानस यज्ञ। इन तीन यज्ञ के बाद में चौथा यज्ञ है मानस यज्ञ। जब आपको लगे कि मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ की सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकती है क्योंकि धन का अभाव है, हम गरीब हैं, तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करना इसी नवरात्र में, और कल मुझे बताना कौन कौन व्यक्ति यज्ञ अपने घर में करके आया है। अपने घर में जाना, भगवती की जहाँ तस्वीर रखी हो उनके सामने बैठ करके माँ से प्रार्थना करना, माँ मैं मन रूपी होता के द्वारा अपनी भक्ति रूपी आहुति तेरे श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। और ऐसा ध्यान करना कि सामग्री भी मेरा मन है, आहुति देने वाला भी मेरा मन है, इसको ग्रहण करने वाली भगवती है। हे भगवती दुर्गा देवी स्वाहा, मन ही मन में उसी का चिंतन करना, उसी का ध्यान करना, उसी को आहुति देना। इस तरह से यदि मानसिक यज्ञ करते हो तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि मानसिक यज्ञ में कोई दोष नहीं लगता। क्रियात्मक यज्ञ में दोष लग सकता है, सामग्री में दोष होने पर आपको दोष लग सकता है, मंत्रों में भेद होने पर यज्ञ का परिणाम विपरीत हो सकता है, लेकिन मानसिक यज्ञ में ऐसा कुछ नहीं है। मन ही सामग्री है, मन ही आहुति देने वाला है, मन से भगवती को समर्पण बस करना है। ये यज्ञ इधर चल रहा है क्रिया के द्वारा। आप लोग अपने मन में, अपने घर में भी डेली यज्ञ करके आ सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ यज्ञ में स्वाहा नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हुआ।
कल कितने लोग अपने घर में मन से यज्ञ करके आओगे बोलो, झूठे ही हाथ उठाना मत, सच सच बोलना जो एक घंटा बैठ के भगवती के सामने मन से यज्ञ करके आए, किसी के बस की बात नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, हरि वो सर संभाल लो बस हो गया भजन, की तरंग मार लो बस हो गया भजन, हे हरि हो गया भजन,
बुरी सुधार लो, बस हो गया सेवा करते हुए नजरों में तेरी दोष है दुनिया ने हारते, नजरों में तेरी दोष है दुनिया ने हारते, नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहारते, समता का काजल ढाल लो, समता का काजल ढाल लो, बस हो गया भजन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? मानसिक यज्ञ, जिसमें न धन की आवश्यकता है न तन की आवश्यकता है, बुढ़ोती हो चलते फिरते ना बना रहा हो, खटिया पे लेटे लेटे ही मानसिक यज्ञ कर लो, बढ़िया व्यवस्था, यहाँ तक कि जल भी नहीं लगना है, पत्ते भी नहीं लगने हैं, आंख बंद करके केवल ध्यान लगाने की आवश्यकता है, स्थान की भी विशेषता नहीं, कहो यात्रा में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, थोड़ी सी नींद लग गई उसी में अपना यज्ञ चालू, समय की भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो दिन की सूर्योदय की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर जब चले जाते हैं तो अग्नि का कोई कार्य यज्ञ संबंधित नहीं करना चाहिए, तो इसमें तो सूर्योदय की भी आवश्यकता है, पर मानसिक यज्ञ में तो अर्धरात्रि में भी आप मानसिक यज्ञ कर सकते हैं, इतना बढ़िया विधान इसका है। एक और मैं आपको कथा सुनाई देता हूं, एक युधाजित नाम के राजा थे और एक वीरसेन नाम के राजा थे, वीरसेन नाम के राजा रहते थे अयोध्या में, रघुवंश के थे वीरसेन नाम के राजा, दोनों योद्धा रणभूमि में आपस में लड़ रहे थे, वीरसेन बड़ा धर्म सत्य प्रतिज्ञ राजा था, पर युधाजित बड़ा ही क्रूर स्वभाव का, जनता को सताने वाला, लोगों का धन हरण करने वाला, लोलुपी पाखंडी ऐसा राजा था, और श्री वीरसेन जी महाराज अयोध्या के रघुवंश के राजा थे, दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ,
अंत में वीरसेन वीर गति को प्राप्त होगा और युधाजित जैसे पापी राजा की विजय हो गई। वीरसेन की पत्नी का नाम था मनोरमा। मनोरमा गर्भ से थी, वह अपने बालक को बचाने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए इस युद्ध से दूर हो गई। पर वीरसेन जी मारे गए, जब ये पता चला तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और मेरे बालक को भी नष्ट कर दिया जाए, तो प्राण बचाने के लिए बिचारी मनोरमा आश्रम पर चली गई। ऋषि के यहां रहना प्रारंभ कर दिया इसने और कही मैं आपकी शरण में हूं। जैसे मां जानकी ने लवकुश को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पालन पोषण किया था, कोई सहारा नहीं था, ठीक उसी तरह इस दासी को भी सहारा दे दीजिए, मेरे बालक का भी पालन पोषण हो जाए। नहीं तो युधाजित को यदि पता चल जाएगा कि अयोध्या की रघुवंश का यह बालक है तो भाई छोड़ेगा नहीं, मर डालेगा। आपके यहां मैं इस बालक को पाल लूंगी। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर इसने रहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन युधाजित को पता चला कि अभी रघुवंश का बालक पल रहा है भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, तो अपनी सेना को लेकर के आया और भरद्वाज मुनि से बोला, बोला एक बाबा बैरागी इधर दो इसको, हर हाल में हमारे लिए चाहिए मनोरमा और उसका बालक, हमारा शत्रु है। भरद्वाज जी ने कहा कि होश में रहना राजा, तेरे पास शस्त्र हैं तो हमारे पास शक्ति भरी पड़ी है। इसने कहा कि मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। भरद्वाज जी ने कहा तुझे ये वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय वाली कथा याद है, थोड़ा संस्मरण कर ले, मैं भी उसी हिसाब का ऋषि हूं। वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय की कथा शायद बच्चों के स्कूल में भी आती थी, पुस्तक में भी आती थी, निबंध आता था हम लोगों के लिए तो आया था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, और नंदिनी इतनी परम तेजस्वी, ऐसी गुणवान गाय थी, ऐसी गुणवान गाय, मनुष्य से भी अधिक बुद्धि रखने वाली। वशिष्ठ जी के यहां कोई यदि आ जाए, वशिष्ठ जी कहते हे गौ माता, हे नंदिनी, इनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन की आवश्यकता है, तो वह नंदिनी गाय के द्वारा तत्क्षण 56 प्रकार के व्यंजन मिल जाते। माने जिस वस्तु की कामना होती नंदिनी गाय के पास वही वस्तु मिल जाती। एक बार विश्वामित्र नाम का राजा आया अपने सेना के साथ में, उसने देखा कि वशिष्ठ जी की नंदिनी नाम की जो गाय है ये तो बड़ी ही अच्छी है, यदि ये गाय मेरे पास हो तो मैं वन में जब जाता हूँ साथ में गाय चली जाए तो सेवक या भोजन बनाने वाले या रसोईया किसी की आवश्यकता नहीं, गाय साथ में रहे, जब जो खाना पीना गाय से कहा मिल जाए। बहुत वशिष्ठ जी से अनुनय विनय किया, वशिष्ठ जी ने कहा भैया और कुछ आप कहिए तो हम आपको दे दें, पर अपनी गैया तो हम नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी ने दो टूक मना कर दिया, ये विश्वामित्र नाम का राजा बोला, कहा कि आप दे दें नहीं तो हम हठपूर्वक ले जाएंगे छीन के, आपसे युद्ध करेंगे, आपको बंदी बना लेंगे। जब ऐसे शब्द कहे तो श्री वशिष्ठ जी के लिए क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तुम्हें इस तरह से हम जैसे ब्राह्मण को अपमान नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोला अच्छा हमें एक तो गाय नहीं दे रहे हो और डांट रहे हैं तो तुम्हारी समझ में नहीं, हम राजा हैं
दो हमारे लिए। अंत में यही स्थिति आ गई कि विश्वामित्र जी के लिए, वो वशिष्ठ जी के लिए विश्वामित्र ने धक्का मार दिया, और जैसे ही धक्का मारा वशिष्ठ जी से सहन नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे गौ माता, मैं तो अब आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, अब आप ही अपने प्राणों की रक्षा कर लीजिए। उस गाय ने जैसे ही हूंकार भरी, हाँ, गाय की जो आवाज होती है, हजारों उसके भीतर से ऐसे सैनिक निकले नंदिनी गाय के भीतर से, और लैब विश्वामित्र के लिए वही युद्ध में सेना सहित पराजित कर दिया। और फिर विश्वामित्र को अपनी प्रायश्चित हुआ कि मैंने ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के अपराध किया, उसका दंड मिला। पर मन में एक बहुत बड़ा दुख ये हुआ कि ब्राह्मण में इतना बल है, इतना तेज है, इतना शक्ति संपन्न होता, मैं तो मंत्रों को ऐसे ही समझता था, पर तपस्या में बहुत बड़ी ताकत है। वही विश्वामित्र नाम का राजा अंत में विश्वामित्र नाम का ऋषि बन गया, उसी ने तपस्या की। मैं भी ब्राह्मणत्व अपने अंदर ला दूंगा, भले शरीर से मैं क्षत्रिय हूं तो क्या हुआ, लेकिन इतनी तपस्या करूंगा कि मेरे अंदर भी उन मंत्रों की दिव्य शक्तियां आ जाएंगी। इस तरह से भरद्वाज जी ने कहा, युधाजित, ये गलती भी मत कर देना कि मेरे सामने तुम मनोरमा को और उसके बालक को ले जाओ, नहीं तो जो दशा वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र नाम के राजा की हुई थी वही कहीं तुम्हारी ना हो जाए। डर गया युधाजित, वहां से सेना सहित चला गया। अब इसको ये समझ में आ गया कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली हूं, मुझे इस बालक का पालन पोषण करना है। तो यह नित नित उस बालक के लिए जाती, वन में से थोड़े फल इत्यादि जो बालक खा सकता है, सुकोमल सुकोमल फलों को चुन करके लाती। धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो थोड़े थोड़े बड़े फल खाने लगा। भगवान से एक ही बात कहती, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। हरा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। ओ घन श्याम सवरिया मेरे, ओ घन श्याम सवरिया मेरे, ओ घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे।
कहती है कि हे प्रभु, आपके बिना मेरी संकट घड़ी में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मुनि के आश्रम पर तो आ गई हूं, पर नाना प्रकार की हम स्त्रियों को उलांछन लगाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमको कल के दिन कह दे कि यह उनकी सेविका नहीं, उनकी भार्या बन करके रहती है। एक पतिव्रता स्त्री किसी के घर कैसे रहे? एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण सोचते सोचते मनोरमा बिताती है, पर उसके लिए तो अपने बालक को कैसे भी करके बड़ा करना है। और अब वह बालक ऐसा हो भी गया भगवत कृपा से, भगवान के सहारे। देखो, ये तो सब व्यर्थ की बात है कि किसी के होने से कुछ होता है। भगवान को जिसको देना होता है, उसका कोई भी ना हो तब भी उसका सब कुछ हो जाता है। यह बालक का नाम रखा गया सुदर्शन। सुदर्शन, मनोरमा के बालक का नाम सुदर्शन रखा गया। सुदर्शन 5 वर्ष की अवस्था का था। उसी समय इसके कान में ब्राह्मण वेदपाठी भरद्वाज जी के आश्रम पर वेद पठन कर रहे थे, उसमें देवी जी का मंत्र पड़ गया। नवारण मंत्र है ना, ऐं ह्रीं क्लीं। उसमें जो क्लीं है वो कामदेव स्वरूप मंत्र है, वह इनके कान में पड़ गया। उससे ऐसी कांति हो गई सुदर्शन के, ऐसा स्वरूप हो गया इसके समान त्रैलोक में कोई सुंदर नहीं रहा। ये रघुवंशी बालक
पर एक और बात ये है कि ये तो महाराज मनोरमा के यहाँ पालित पोषित बालक है। एक राजा हैं जिनकी कन्या है, वह अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं, पर वर नहीं मिला तो इन्होंने स्वयंवर की कल्पना रख दी कि कैसे भी करके बालक का स्वयंवर हम करा दें। इनकी बिटिया का नाम है शशिकला। शशिकला का स्वयंवर होना है, पर किसी ने बता दिया कि भरद्वाज मुनि के यहाँ जो कन्या रहते, भरद्वाज मुनि के यहाँ जो बालक रहता है उससे अधिक कोई सुंदर नहीं है। इतनी बात इसके कान में पड़ी तो इसने भगवती से मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसा सुंदर शलोना सुवर मुझे प्राप्त हो जाएगा क्या माँ? तो भगवती जगदम्बा ने स्वप्न में दर्शन देकर के इससे कहा कि शशिकला, असल में सुदर्शन ही तेरे लिए वर बना है और तेरा कोई वर है ही नहीं, तो तू चिंतन मत कर, उसी से तेरा विवाह होगा। शशिकला के मन में आ गया कि कैसे भी करके एक बार दर्शन तो कर लूं, मेरे पतिदेव हैं कैसे। दर्शन करने की इच्छा से आई और जैसे ही शशिकला ने सुदर्शन के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर देखा, स्तब्ध रह गई। ना आग की पुतली फड़के, ना श्वास चले, पुतली की तरह खड़ी अपलक दृष्टि से देखती रह गई बस। और मन ही मन देवी के चरणों में ध्यान को लगाया, माँ यही वर मुझे पति रूप में मिले, यही जिसको दे, इसके अतिरिक्त अब कोई ना। मन में और सखियों के साथ बड़ी प्रसन्न होकर इसकी माँ ने पूछा कि बिटिया आजकल बड़ी तू खुश दिख रही है, तेरी खुशी का कोई अलग से कारण तो नहीं है, ऐसा कुछ छुपा रही हो? बोले नाना माँ, पर सखियों को तो पता था, माँ से इसने कुछ नहीं बताया। अब बड़ी ही खुशी के किलकने लगी, धीरे धीरे और प्रतीक्षा करने लगी, मैं जल्दी से मेरे पिताजी विवाह का प्रस्ताव अगर मेरे सामने रखें तो मैं नाम रख दूं कि मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। एक दिन इस शशिकला के पिता ने घोषणा कर दी कि मेरी पुत्री वर के योग्य, वरण के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। तो स्वयंवर का विधान रखा है और देश देश के सभी राजाओं के लिए आमंत्रित किया गया। देश देश के भूपति नाना आई सुनी हम जो पन ठाना। देश देश के राजा वहां पर आए, कन्या जिसके चाहेगी उसके गले में जयमाला डाल देगी। पर इधर इस दुष्ट राजा युधाजित के लिए पता चल गया कि मेरे शत्रु का अभी अंश बचा हुआ है और वह भी इस स्वयंवर में आ रहा है। देखिए स्वयंवर तो जानकी जी का था, पर स्वेच्छा स्वयंवर और पण स्वयंवर दो प्रकार के होते हैं। वो था पण स्वयंवर, पण कहते हैं प्रण को, उसमें कोई प्रतिज्ञा छुपी हुई थी। और जो स्वेच्छा स्वयंवर होता है उसमें कन्या जिसके गले में चाहे अपनी मर्जी से जयमाला डाल सकती है। पण स्वयंवर से द्रौपदी का विवाह हुआ था, पण स्वयंवर से जानकी का विवाह हुआ था, ये स्वेच्छा स्वयंवर हो रहा है। सुदर्शन को मारने की इच्छा से युधाजित स्वयंवर में सेना को लेके आया, सुदर्शन भी उस सेना में समुपस्थित हुए। राजाओं को कानों कान खबर लगी तो राजाओं ने सुदर्शन से कहा कि बालक तुम अकेले आए हो ओजवान, अरे क्यों अपने किसी परिकर को लेके नहीं आए? और ये तुम्हारा शत्रु जो है, जिसने तुम्हारे नाना जी को मारा, पिताजी को मारा, ये तुम्हारा शत्रु तुमको मारने की इच्छा से आया है, तुम जब अकेले आए होगे तो बचोगे कैसे? सुदर्शन ने कहा कि महाराज आप लोग सेना के सहारे चलते हैं, आप लोग अपने बल के सहारे चलते हैं, आप लोग अपने तन के सहारे चलते हैं, आप सभी राजा अपने धन के सहारे चलते हैं, पर मैं ना तो तन के सहारे हूँ, न बल के सहारे हूँ, न मन के सहारे हूँ, न सेना के सहारे हूँ, न हाथी घोड़ों के सहारे हूँ, तो मैं तो सिर्फ भगवती के सहारे यहाँ वरण करने के लिए आया हूँ। भगवती ने स्वप्न में कहा था
कि जाओ सुदर्शन, शशिकला नाम की कन्या से ही तुम्हारा पाणिग्रहण ग्रहण होगा, मेरी इच्छा है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इधर युधाजित को पता चला कि मन ही मन शशिकला इसको सुदर्शन को प्रेम करने लगी है, बोला स्वयंवर के पहले ही मैं इसके लिए सुदर्शन को मार डालूंगा, फिर शशिकला क्या करेगी, भले स्वयंवर है पर विवाह तो हमसे ही होगा। अभी भी हट की बात है कि नहीं भाई, बिटिया किसी को चाह रही है कि मेरा उससे विवाह हो जाए, उसका पिता भी चाह रहा है कि जिसमें मेरी बिटिया प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न, सभी लोग चाह रहे हैं कि सुदर्शन जैसा सुंदर और होगा कौन यहां, लेकिन शत्रु तो शत्रु होता है, सदैव शत्रुता की ही बात सोचता है। इसने कहा कि नहीं, सुदर्शन से विवाह नहीं होना चाहिए, चाहे स्वयंवर हो चाहे पण स्वयंवर हो, विवाह तो युधाजित ही करके ले जाएगा। राजाओं ने समझाया कि मूर्ख मत बन, क्यों इस बालक के प्राणों के पीछे पड़ा है, भगवती की इच्छा से बड़ी तेरी इच्छा हो सकती है, पर वो तो अपनी वाणी पे अटल रहा। इधर जब थाल लेकर के माला पुष्प रख करके और स्वयंवर में प्रविष्टित होने के लिए पिता ने कहा अपनी रानी से कि जाओ बिटिया के लिए दासियों से कह के बाहर बुलाओ, तो आज बिटिया ने मना कर दिया, बोली महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, जब से मैंने सुदर्शन को मन रूप में वर्णित कर लिया तब से किसी पर पुरुष के सामने में अपना चेहरा निकाल करके जा नहीं सकती, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मैं तो यही कहूँगी मैं इस स्वयंवर में नहीं जाऊँगी। तो राजा ने कहा कि यदि तो स्वयंवर है, जाकर के तुम सबके सामने सुदर्शन के गले में जयमाला डाल दो। इसने कहा कि जब मैंने पहले से पति उन्हें मान लिया है तो अब इन राजाओं के सामने ठुमक ठुमक के चलती हुई जाऊंगी, ये लज्जा की बात नहीं होगी, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मैं स्वयंवर की उस भूमि में कदम नहीं रखूंगी, मैंने मन से उन्हें पति मान लिया है। राजा ने कहा कि बेटी देश देश के राजा आए हैं, महायुद्ध हो जाएगा, क्या होगा? बिटिया ने कहा पिताजी क्षमा करें पर मैंने पति मान लिया है, अब जो भी हो उसके आगे मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। पिता ने भी सोचा बात तो बेटी की अच्छी है, पतिव्रत धर्म की बात है, किसी के सामने नहीं जाना चाहती ये भी बहुत श्रेष्ठता की बात है। तो पिता ने क्या किया, बाहर के दरवाजे बंद करवा दिए, भीतर अंदर एक बहुत बड़ी गुफा गई हुई थी, अंतर गुफाएं होती थी ना राजाओं की, उस गुफा से निकल के दूसरी जगह बेटी का मंडप, इधर राजा प्रतीक्षा में बैठे हैं स्वयंवर की, दूसरी जगह विवाह करा के डोले में बिठा के मनोरमा के बालक सुदर्शन के साथ में अपनी बेटी की विदा के, और भगवती जगदम्बा ने आशीर्वचन दोनों के लिए प्रकट होकर के दिया, जाओ आज से पुनः सुदर्शन तुम युधाजित के लिए शत्रु रण में पराजित करोगे, युधाजित पराजित होगा, तुम रघुवंश के पुनः अयोध्या में राजा कौशलपुर में स्थापित हो गए, ये मेरा वचन है। भगवती ने आशीर्वचन दिया, दोनों दंपति आए, कालांतर में उसी सुदर्शन ने पुनः से युधाजित का वध किया और अयोध्या नगरी में वह राजपथ पर विराजमान हो गए। बोल दुर्गे मैया की जय। अब भैया समय की घड़ी हो गई है, दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आरती, और संकीर्तन वही मैं तब तक करूंगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति गाना नहीं सीख जाएगा, एक ही चलाएंगे हम। हाँ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे केसर तिलक कृष्ण वर्ण।
चरण केशर तिलकम कृष्ण वर्णम केशर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे सुंदर मृदुहासम हरत विषादम राधारमण हरे हरे राधा चित वसीतम राधारमण हरे हरे राधारमण ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे राधा रहारम राश रसारम राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधा रसिक नरेशम राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे
सभी जन खड़े होकर के मैया की आरती करेंगे, देवी माता की आरती करेंगे। जननी जय 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 मां राम कृष्ण तू
पद्रुम हरणि सब बाधा मा जग जननी जय जय जननी जय जय तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू तू श्मशान विहारिणी तू श्मशान विहारिणी पांडव लासिनी तू जग जननी जय जय सूर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा मैया तू शोभा धारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलय मई धारा मा जग जन शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे मा जग जननी जय जय जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भय हारिणी भवतारिणी भय हारिणी भवतारिणी भव भामिनी जय जय जग जननी जय जय मा जग
नाग जननी जय जय। करपू